तो फिर वैसे ही होगी, वैसे ही होगी आपकी भी। कमाई कौन नहीं, पापा नहीं, मैं ये कैसे होगी? खाना नहीं मिलता ढंग से, कैसे होगी? मुझे नहीं पता कैसे होगी, लेकिन मुझे यकीन है, मुझे एक विश्वास है, आपकी शादी अच्छे से होगी, बड़े अच्छे से होगी। 10 स्टार लगाएंगे इसकी शादी में कि मेरी बहन बोल रही है कि पता नहीं मेरी शादी होगी या नहीं होगी, कैसी होगी। तो मैंने उसी वक्त आपको बोला कि 10 स्टार लगाएंगे सर, धूमधाम से शादी करेंगे। सब्जी कहाँ से लानी है, क्या लाना है, कहाँ से दही उठाना है, कहाँ से पनीर उठाना है, कहाँ से गुलाब जामुन उठाना है, कहाँ से चांपे उठानी है, कहाँ से गोल गप्पों की रेडी लानी है, सब आएंगी। इतने लोग सामने आ गए, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने होते थे, मैं बोलती थी कि जैसे सभी लड़कियों की शादी हो वैसे मेरी भी हो जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा जो भी होगा अच्छा ही होगा, लेकिन इसलिए जो मेरी चॉइस थी वो आज पूरी हो। कुछ भी नहीं कर सकती थी मैं, बेसहारी थी, दूर दूर के लोगों ने हमारी मदद की है। शिमा जी यही सोचा था आपने? हाँ जी, हाँ जी सर, यही सोचा था। बहुत अच्छे से शादी इनकी हो रही है, इन्होंने शायद, इन्होंने क्या, मैंने भी नहीं सोचा होगा कि इनकी शादी ऐसे होगी। इस कहानी का आपको बेसब्री से इंतजार था। मसेड़ी जम्मू से लगभग 150-155 किलोमीटर की दूरी पर। आपको याद होगा उस छोटी बच्ची ने कहा था मैं चावल नहीं खाती हूँ, चावल है घर में लेकिन इकट्ठा कर रही हूँ, पिताजी की बरसी है। और आप लोगों ने इतनी मदद की, शायद जब मैं बात कर रहा हूं, मैंने आज से 15-20 दिन पहले चेक किया होगा, 11 लाख तक, शायद उससे ज्यादा, मुझे पता नहीं। इतने सूट, वो सब कुछ जो एक लड़की को चाहिए आपने दिया, बहुत प्यार दिया आपने इस कहानी को, बहुत प्यार दिया आपने छोटी बच्ची को, बहुत प्यार दिया आपने सुरेशा को और उसकी माँ को। आज फिर वापस आया हूं क्योंकि ये बताना जरूरी था कि जहां आपने मदद की है वहां हुआ क्या, ये आपका अधिकार था और मेरी जिम्मेदारी, आज वही जिम्मेदारी निभाने के लिए आया हूं। और जब जम्मू से यहां मैं आ रहा था, रास्ते में एक फैमिली मुझे मिली, अतुल और रितिका की, वो भी जहां आना चाहते थे अपने परिवार के साथ, लेकिन नहीं आ पाए, रास्ता इतना, हालात खराब थे, ऊपर से वो लैंडस्लाइड चल रहा था, वो वापिस चले गए। आप तस्वीरों में देख लीजिए, जब मैं आ रहा था मुझे रोका गया, शायद उन्होंने पहचान लिया मुझे, उनको अफसोस था कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। बट नीचे वो मठ था, गाड़ी स्लिप हो रही थी, तो फिर बच्चे भी साथ में थे, थोड़ा सा लग भी रहा था कि आगे जाएंगे, बट थोड़ी सी दिल ने, तो स्पेशली इसी शादी के लिए आप जम्मू से आए? बिल्कुल बिल्कुल, राहिल भैया के साथ पूरा कॉन्टेक्ट चल रहा था, बट आफ्टर सम टाइम हमारा कॉन्टेक्ट टूट गया, बीच में थोड़ा सा कॉन्टेक्ट टूट गया हमारा, तो फिर इन्होंने भी बोला, हस्बैंड ने बोला नहीं वी हैव टू गो बैक, अब नहीं जा पाएंगे। एकदम से हमें रविंद्र भैया मिल गए, तो हमने बोला कि हमें हमारे मैसेजर मिल गए, हम आगे हमारा मैसेज पहुंचाएंगे। राहिल भैया की आपकी आपकी हाजिरी लगी वहाँ पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूर से शादी के लिए आए, थैंक यू भैया। लेकिन अतुल रितिका जी, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद श्रेष्ठा तक पहुंच गया। अब मैं बता दूं हालात किस तरह से बदल दिया आपने, तस्वीरें देख लीजिए, सुरेशा मेरे सामने है, कुछ देर के बाद इसकी शादी हो जाएगी, वैसे ही शादी होगी जैसा सुरेशा ने सोचा था, बिल्कुल वैसे ही। सुरेशा से बात करता हूं कि क्या हालात बदले इनके। सुरेशा जी शादी आज आपकी? बहुत अच्छी हो रही है। अच्छे से हो रही है? हाँ जी, पहले तो मैंने सोचा, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने होते थे, मैं बोलती थी कि जैसे सभी लड़कियों की शादी हो वैसे मेरी भी हो जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा जो भी होगा अच्छा ही होगा, लेकिन इसलिए जो मेरी चॉइस थी वो आज पूरी हो गई। आज खुश हो ना आप? हाँ जी, बहुत। सब कुछ है आपके पास? हाँ जी। कपड़े हैं? हाँ जी भाई। जेवर हैं? हाँ जी। पैसे भी हैं? हाँ जी भाई। शादी कैसी हो रही है, लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? बहुत बढ़िया शादी हो रही है मेरी और बहुत खुश हूँ मैं। आपकी शादी में रिश्तेदार कम लग रहे हैं, बाहर से ऐसे अननोन लोग जो जानते नहीं वो ज्यादा आए हैं, जम्मू से लोग ज्यादा आए हैं? हाँ जी भैया जी। जम्मू से, बिलावर से, कठुआ से? हाँ जी भैया जी। जानते हो उन लोगों को? नहीं।
फिर आपकी शादी में क्यों आए हैं वो लोग? आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हाँ जी। आप खुश हो ना? हाँ जी भैया जी, अब मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा ही सोचा था आपने? हाँ जी भैया जी। ये श्रेषा की माता जी मेरे साथ हैं। आपका नाम क्या है? तुम नाम क्या? कमली देवी सर। कमली जी खुश हो? कुड़ी का ब्याह शैल हुआ था। कुड़ी खुश है? खुश है सर। क्या चाहते हैं, किस तरह का ब्याह हुए? हम जी चाहते थे कि हमारी लड़की की शादी किस तरह होगी। बहुत गरीबी, बहुत बुरे हालात हैं। क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैं बेसहारी थी। हमारा कोई भी साथी नहीं था। एक साल से शिमा हमारी लड़की है, वो उसने हमारी मदद की है। शिमा से सवाई और भी किसी ने भी हमारी मदद नहीं की थी, और फिर भी हमारी लड़की की शादी आई तो शिमा ने बहुत दुनिया से ज़्यादा मदद की है। शिमा के मदद करने से हमने दूर दूर के लोगों के मुंह देखे हैं। दूर दूर के लोगों ने हमारी मदद की है। इस माता जी की दबी आवाज में ये है कि वो महिला शिमा बेगम और उनके पति यूनस मलिक, शायद मैं सही नाम ले रहा हूँ, इन्होंने मिसाइल कायम कर दी। जो हम देखते हैं ना हिंदू मुसलमान, उस पर एक विराम लगा दिया। और शिमा जी ने कहा था ये शादी मसेड़ी की यादगार शादी होगी, और वैसे ही हो रहा है। शिमा जी, जो आपने सोचा था वैसा ही हुआ। ये शिमा जी हैं, ये इस कहानी की मेन लीड हैं, ये कनेक्शन है। अगर ये नहीं होता तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। शिमा जी, यही सोचा था आपने? हाँ जी, हाँ जी सर, यही सोचा था। बहुत अच्छे से शादी इनकी हो रही है। इन्होंने क्या, मैंने भी नहीं सोचा होगा कि इनकी शादी ऐसी होगी, लेकिन बहुत अच्छी हो रही है। हमें बहुत खुशी है, मन से खुशी है कि इनकी शादी बहुत अच्छे से हो रही है। हाँ जी। तो और भी मदद हुई इनकी? काफ़ी मदद? हाँ जी, हाँ जी, बहुत मदद हुई है इनकी। गोल्ड से, पैसों से, कपड़ों से, राशन से, हर चीज़ से बहुत मदद हुई है इनकी। ये वो कड़ी थी, ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कड़ी थी शिमा बेगम, जिसने ये पॉसिबल कर दिया। मुझे लगता है कि हर गांव में, भारत के हर गांव में शिमा जैसी महिलाएं हों, तो कुछ लोग जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं उसको परमानेंटली विराम लग जाएगा। अब मैं आता हूं, ये संभव कैसे हुआ, ये संयोग कैसे बना? इनको देख लीजिए, और उसके साथ ये शख्स हैं, ये बिलावर से आए हैं, कठुआ से आए हैं और ये जम्मू से आई हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको तैयार करने के लिए। इन्होंने शुरुआती दौर में कह दिया था कि जो भी मेकअप रहेगा वो हम लोग करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमें दे दो। और अभी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, लगभग 10 बजने को हैं। अभी इनको जम्मू वापस जाना है। जम्मू वापस जाने का मतलब होता है, कठुआ वापस जाने का मतलब है 6 घंटे, लेकिन ये यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरनजीत कौर है। तरनजीत जी, जम्मू से इतना दूर? हाँ जी, हमने आपको प्रॉमिस किया था कि डिस्टेंस डजंट मैटर, तो इसलिए हमने आना ही था। मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं जम्मू से स्पेशली सिर्फ शादी के लिए, कि रेडी करेंगे और मतलब अच्छे से मेकअप करेंगे। हर लड़की का सपना होता है कि उसको अच्छे से तैयार सुंदर लगना, शादी में सुंदर लगना। सो मेरा ये था कि मैं उसको तैयार करूँ, तो मतलब मेरे साथ एक और मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने भी साथ दिया है, तो दोनों ने मिलकर बड़ा अच्छे से तैयार कर लिया उसको। घर में आपके बच्चे हैं? हाँ, बेटी है मेरी 6 साल। तो कैसे अभी आप रात को 4 बजे 5 बजे सुबह घर पहुँचे? वो मैं छोड़ के आई हूँ, मायके में छोड़ के आई हूँ, तो मतलब बस मन में सेटिस्फेक्शन है कि अच्छा काम किया। हाँ, जैसे ही मैंने आपकी स्टोरी देखी थी तो मैंने, मेरे और हस्बैंड ने आपको कॉल की थी, कि बोला था कि हमने रेडी करना है, तो काफ़ी खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन होती है कि लाइक हमने कुछ अच्छा किया जिंदगी में। बहुत बढ़िया। आमतौर पर देखा जाता है जब शादी होती है तो एक मेकअप आर्टिस्ट होता है। श्रेषा की शादी में 2 लोग इनको तैयार करने के लिए आए हैं। 2 लोग आए हैं आपकी बेटी को तैयार करने के लिए, एक नहीं दो, दो आए हैं। आपका नाम क्या है सर? स्पर्श राजपूत। स्पर्श जी, आप कठुआ से आए? हाँ जी, हाँ जी। आप कैसे कनेक्शन हुआ यहाँ तक? मैंने वीडियो देखी थी आपकी, तो उसके बाद मैंने राहुल भैया को कॉल की, तो मैंने उनको बोला कि मैं रेडी भी कर दूंगा और मेहंदी भी लगा दूंगा। अच्छा, आप कल भी आए? हाँ जी, हाँ जी, हम कल से यहीं पे हैं। अच्छा, आप यहीं स्टे कर रहे? हाँ जी, हाँ जी, रात को हमने 12 बजे मेहंदी शुरू की थी उनकी, तो वो कम्प्लीट करके तो नेक्स्ट डे दोनों ने मिलकर हमने रेडी किया उनको, तो बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून है बहुत ज्यादा। पैसे तो सारी उम्र कमाने। सही बात है, वो तो है, ऐसे काम
करने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आज रात को स्टे करना है वापस? नहीं नहीं, आज हम यहीं रुकेंगे, कल जाएंगे। मुश्किल है जाना, 6-7 घंटे लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी कहानी थी जनाब, और इस शख्स का भी इसमें अहम रोल है, इनसे मैं आपको मिला दूं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जगदीप। जगदीप साहब जो हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट जहाँ पे आई हैं, ये इनके हस्बैंड हैं। पाजी कभी गुस्सा नहीं करते भाई, रात को सोना होता है, आप कहाँ किन कामों में लगा देते हो? सर ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली हम दोनों का ही था कि डिसीजन कि हम जाएंगे जाएंगे वहाँ पे, और खुशी मिलती है सर, अंदर से खुशी मिलती है अगर कोई ऐसा काम करें सोशली। कितने बजे निकले जम्मू से? सर 1 बजे। दिन के 1 बजे, तो अभी 10 बज गए हैं। कोई बात नहीं, रात को वापस जाना है। जी जी सर। तो घर कब पहुंचोगे? सुबह ही पहुंचेंगे सर। लेकिन 5-6 बजे है। जी जी सर। अब ये मैंने दिखा दिया आपको, ये पार्ट दिखा दिया, वो छोटी बच्ची नीलम नाम था उसका, जिसने कहा था कि मैं चावल नहीं खाती हूँ, मैं आपको उससे भी मिलाता, लेकिन एक रिवाज होता है, एक रीत होती है शगुन की, वो सुबह 4 बजे के शगुन लेकर लड़के वालों के यहाँ गए हैं, अभी तक वापस लौटे नहीं, आने वाले हैं, 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे, इसलिए मैं उस बच्ची को आपसे मिला नहीं पाया। नील छोटी बच्ची को कपड़े कुपड़े सब हैं? सब कुछ है। सब कुछ है सर। खुश है ना वो? बहुत खुश है। चावल खिला दे उसी ने? खिला दे रहे हैं। चावल नहीं रोकने उदे? ठीक है सर। कुछ कहना चाहते हो और आप? नहीं सर, बहुत कुछ। खुश है ना? हाँ जी। भाई ये मुस्कुराहट बना के रखना, खुश रहना। ठीक है। खुश रहना हमेशा। ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस पंडाल में, उस पंडाल में लेके चलता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के जो डोनर हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने किस तरह का पंडाल सजाया है, वो बात याद रखना जो सीमा बेगम ने कही थी कि पूरी मसेडी में ऐसी शादी नहीं हुई होगी, वो मैं दिखाता हूं आपको। दस साल की जगह 14 स्टॉल हैं। मैं उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने 14 स्टॉल में अपना योगदान दिया है। वैसे ही थोड़ा थोड़ा हर बंदे ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन ली है, तो ये शादी संपूर्ण हुई है श्रेष्ठा की। मछेड़ी तो मतलब ऐसे लग रहा है मुझे कि जैसे मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है और रोज पहुंच जा रहे हैं, और आज यहाँ पे 14 स्टॉल लगे हैं। हमारा मेन मकसद था कि यहाँ पे 10 स्टॉल लगने चाहिए, वो लग चुके हैं, चाहे हमने लगाए या हमारे भाइयों ने लगाए, हमें उसमें बड़ी खुशी है। बड़ी खुशी है। फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए हैं, ये है वो अरेंजमेंट जो आपने तस्वीरों में देखे, और ये संभव हो पाया इन सभी लोगों की वजह से। जो लिस्ट मेरे हाथ में है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा जनाब, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आप लोगों ने इतने नाम हैं, मैं सब उन्हीं लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिनके इनमें एफर्ट्स रहे हैं फिजिकली, जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं अभी, और एक लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया, जिन्होंने इस पंडाल को संभव कर पाया। मछेड़ी की बात कर रहा हूँ, कहा गया था कि ऐसी शादी पूरी मछेड़ी में नहीं होगी, वैसा ही है। ये सारे नंबर हैं जिन्होंने इस शादी को मुमकिन कर पाया, और आपको बता दूं कि ये सब लोग मैक्सिमम नंबर जो है कल शाम से यहाँ पे है और कैंप कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। और यकीनन यकीनन जो उस माँ कमली देवी ने सोचा था, सुरेशा ने सोचा था, उस छोटी बच्ची ने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही, और उसके बाद उनकी आने वाली ज़िंदगी भी इतनी ही खूबसूरत होगी, ये इन लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है। ये सारा नंबर जो आप देख रहे हो, ये सारा वो नंबर है। यशपाल जी हैं, जम्मू से आए हैं। यशपाल जी आप अभी आए हो? जी सर अभी आए हैं, 4 बजे निकले, राकेश जी ने बोला आप जाना ही है, तो हम यहाँ उन्होंने आदेश दिया, हम बिल्कुल प्यार हो गए, रेडी होकर निकल आए हैं। आदेश जी को राकेश जी की तरफ से और मोना बेटी की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ उन बच्चों को जिन्होंने ऐसा काम किया है, और आगे करते रहेंगे, और सारा टीम आगे बढ़ती रहेगी, पीछे नहीं हटेगी। आपका नाम क्या साहब? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील जी, इतनी रात को, अभी रात के 10:30-11 हो रहे हैं, अभी भी आप? आना था जी, और आना पक्का था, क्योंकि हमने पहले ही बोल के रखा था जिस दिन शादी होगी हमारा, हमने इधर पहुंचना है, तो हम पहुंचे हैं। जो भी
आगे भी कोई मदर होगी हम इनकी करते रहे। आज भी आप बेटी के लिए गिफ्ट लेके आए? हाँ, कुछ ना कुछ लेके आए हैं जी, हमारा दिल करता है जाना, खाली हाथ नहीं जाना, लेके जाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन साहब को आप जानते हो, आपका नाम कैसे बता दो? अनु चौधरी। चौधरी साहब क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, मेरे को कोई मैटर नहीं करता, जितना मर्जी रोड लंबा हो, चौड़ा हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, पहुँचना है, पहुँचना है। बहन की शादी थी तो मेरे को पता था, मेरी बहन नहीं है सर, लेकिन इस बहन के लिए मैंने जरूर आना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम कैसे है? मेरा नाम सर अजीत कुंडल, मैं कठुआ से हूँ, कोहली सर की टीम से हूँ। अच्छा अच्छा, कोहली सर की टीम से हैं। जी जी, कैसा लगा, खुशी हो रही है यहाँ के? सर पहले तो आपको मैं आपके चरण छू के आपको नमस्कार करना चाहूँगा कि सब जी आपकी मेहरबानी है, आप हमें बताते हैं तो हम आपके पीछे पीछे आते हैं। शुक्रिया साहब। आपका नाम क्या जनाब? सर मेरा नाम आर्यमन सिंह चिब्बल। आप कहाँ से हो? बड़ी ब्रह्मणा से सर। बड़ी ब्रह्मणा से आए हो? जी सर। तो कैसे आना हुआ यहाँ पे, आपने स्टोरी देखी थी? जी सर, स्टोरी देखी थी सर, एक्चुअली हमें हेल्पिंग हैंड के साथ है, रहल भाई के साथ, इसलिए हमने स्टोरी देखी थी, मुझे पता चला कि जहाँ पे बहन की शादी है, तो इसलिए हम जहाँ पे। बहुत बढ़िया। ये जो हमने जिम्मेदारी दी थी, ये जिम्मेदारी हमने दी थी उस वक्त मुझे याद है, कोहली साहब थे, राहिल साहब थे और कार्तिक साहब मिसिंग हैं कहीं पे, कार्तिक साहब मिसिंग, कार्तिक साहब आ जाओ। मैंने इन लोगों को कहा था, मुझे याद है अपनी रिपोर्ट में, अभी कोई फीडबैक शायद इतना फीडबैक नहीं आया था, इन लोगों ने कहा था कि इस शादी को हम मुमकिन कर देंगे। राहिल साहब जी भैया, मुमकिन हो गया? हाँ, आपके सामने ये लाइव एग्जाम्पल है, इसके तो ऐसा कुछ है नहीं है। कोई परेशानी आई, कोई दिक्कत? परेशानी आती रहती है भैया, वो तो बोलते हैं कि आप रहा भाई निकलो, परेशानी तो आती है, ढेर सारी परेशानियां आती है। वैसे ही कहा, जो कहा गया था वैसे ही हुआ, ऐसी शादी नहीं होगी मिशेडी में। 10 स्टॉल बोले थे, 14 स्टॉल हैं आज, आपने करे ही होंगे कवर, 10 साल की जगह 14 स्टॉल हैं। मैं उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 14 स्टॉल में अपना योगदान दिया है, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, अब एक एक का नाम गिना के तो मैं वो नहीं, मुश्किल हो जाएगा, तो उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये शादी को मेमोरेबल शादी बनाया। तो मैं पिछले 3 दिन पहले भी एक बार आया था यहाँ पर, टेंट वाले भैया से बात की थी, वो भैया लेखराज जी हैं, उन्होंने कहा था मैं टेंट प्रोवाइड करूंगा आपको यहाँ, ये लेखराज जी हैं आपके साथ, हाँ ये हैं, इन्होंने कहा था मैं टेंट प्रोवाइड करूंगा, जैसे मेरा दोस्त है वहाँ पर बिलावर में आइसक्रीम उसने प्रोवाइड किया, वैसे ही थोड़ा थोड़ा हर बंदे ने अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन ली है, तो ये शादी संपूर्ण हुई है श्रेष्ठा की। कोहली साहब आपने कहा था कि अगर कोई भी नहीं आएगा तो मैं हूँ, वो शब्द मुझे अभी भी याद है। जी हाँ बिल्कुल, मैंने जरूरत नहीं पड़ी उसकी, जरूरत नहीं पड़ी। देखो सर बात ऐसी है कि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, अब देखो जब स्टोरी आपकी चली, हर बंदे का अपना अपना मतलब शौक था, मान लो कि कोई कहता मैं ये स्टॉल लगाऊंगा, हमने किसी को नाराज नहीं किया, हमने अपनी तरफ से 10 बोला था लेकिन हमने किसी को नाराज नहीं किया, जिसने जो कंट्रीब्यूट किया हमने उसको स्वीकार किया, और आज यहाँ पे 14 स्टॉल लगे हैं, हमारा मेन मकसद था कि यहाँ पे 10 स्टॉल लगने चाहिए, वो लग चुके हैं, चाहे हमने लगाए या हमारे भाइयों ने लगाए, हमें उसमें बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है। कार्तिक साहब जिम्मेदारी निभाई आपने पूरी तरह से? सर जरूरत ही नहीं पड़ी भैया, क्या करें, ये इतने भाई आप देख रहे हो कितने लोग आए हैं जम्मू से, मछेड़ी तो मतलब ऐसे लग रहा है मुझे कि जैसे मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है और रोज पहुंच जा रहे हैं, जम्मू से आज इतने लोग आए, यहाँ के लोगों ने सहयोग किया, वो टेंट वाले भैया उन्होंने शायद आई थिंक ये सब कुछ उनकी तरफ से अरेंजमेंट ही उनका भी सहयोग था इसमें, इवन जम्मू से सर कुछ लोग जो है उनका मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, उनमें से एक तो शायद सारा जम्मू जानता है सुखदेव भैया, उन्होंने लेबर में कंट्रीब्यूशन दिया है कि जितनी भी ये जो भी ये कैटरिंग हुई है इसमें जो लेबर होंगे वो प्रोवाइड करेंगे, प्लस एक सोनू भैया फूल वाले उनका 2500 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, फिर नगरोटा से वो दीदी हैं ज्योति दीदी उनका 2000 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, और भी बहुत सारे लोग हैं, अब मैं के नाम गिनाने लगूंगा तो शायद जरूरत नहीं है, ऊपर वाला, लेकिन उन सब का हम दिल से शुक्रगुजार करते हैं, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन सबका शुक्रगुजार करते हैं, और सबसे ज्यादा सर मैं आपको सल्यूट करता हूँ, ये जो जम्मू के अंदर आज ये ट्रेंड शुरू हो गया है ना, कि ये जो आपने इस ट्रेंड शुरू कर दिया, कोई भी गरीब जो है उसकी मदद जो है इस तरह से हो कि सारे पूरे जम्मू को पता लगे, आज मछेड़ी का नाम मुझे नहीं लगता हमें, मैंने सुना ही नहीं था कभी, लेकिन आज जम्मू की जुबान पे सर, आज भी मैं अपना फेसबुक पेज खोलूं तो कम से कम 20 मैसेज हैं, मैंने सिर्फ एक स्टोरी डाली थी ऑन द वे टू मछेड़ी, वहाँ पे सब जी कब होगी शादी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना पॉपुलर हो कर दिया आपने मछेड़ी। इन लोगों के लिए जम्मू से मछेड़ी 4 किलोमीटर है, ये हैं जिन्होंने टेंट प्रोवाइड किया है, इनका बहुत योगदान है इसमें। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम लेखराज है, मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और सभी जितनी भी जनता आई हुई है उनका भी शुक्रिया करता हूं। अभी नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, लड़की की जो शादी हो रही है उसका नाम के बारे में मेरे को पता नहीं है, मैं बिलावर का रहने वाला हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों का, इस तरह का कंट्रीब्यूशन आपने किया। आपका नाम क्या है साहब? सर सौरभ सैनी। सौरभ साहब कहाँ के रहने वाले? बढ़िया। हमने तो यहाँ कैसे सर? राहिल भैया के साथ। राहिल भैया के साथ उनका साथ देने के लिए आए हो? जी सर। सब अरेंजमेंट अच्छे से होगा? जी सर। अनिल साहब इतना लंबा सफ़र,
क्या रहता है मन में जब इस तरह की कहानियां सामने आती हैं? सर बस ये जैसे ही हम आपकी स्टोरी देखते हैं और रिएक्ट करते हैं, हमने ये सोच लेते हैं कि हमने ये शादी पे जाना है और यहाँ पर जो अपना भी योगदान है वो देना ही देना है। तो हम कल ही सर वहाँ से निकल के हम 4 बजे यहाँ पहुँच चुके थे। कल 4 बजे पहुँच के जो थोड़ा बहुत काम, वैसे तो काम सारे ऑलरेडी हो चुके थे, फिर भी जो थोड़े बहुत काम थे वो हमने किए जो हमसे हो सकते थे। तो बस बहुत खुशी है कि इतनी ज़्यादा, इतने लोग तो मैंने मछेड़ी में देखे नहीं 2 दिन से, जितने आज इधर इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत ही खुशी हो रही है और इतना अच्छा अरेंजमेंट हुआ है, बहुत ही खुशी है इसकी। आपका नाम क्या है साहब? विशाल खजूरिया। खजूरिया साहब क्या कहना चाहते हो? सर कहना क्या, घर वाले क्या बोलते हैं, कहाँ गए हो, क्या बोलते हो घर आगे? घर वालों ने जैसे आपकी वीडियो देखी थी, उन्होंने ही मुझे आपका, अच्छा, भी देखते हैं। बिल्कुल सर, उन्होंने ही बोला कि ये देखिए ये सेंटिनल की वीडियो आई है, देख बेटा और तूने जहाँ पहुँचना है। जैसे वीडियो देखी दूसरे दिन ही हम यहाँ पे पहुँच गए और इवन हम परसों यहाँ आने वाले थे, लेकिन इन्होंने कॉल की कि जो शादी है वो 25 को है, फिर हम कल सुबह 10 बजे यहाँ पहुँचे हैं। कल सुबह 10 बजे से पूरा देख रहे हैं और मैं तहे दिल से शुक्रिया एक द सेंटिनल और यूनस जी का, जिनकी बदौलत हमें मछेड़ी का पता चला। जिनकी वजह से हमें मछेड़ी का पता चला, वरना मछेड़ी शायद हम में से जम्मू वाला कोई नहीं जानता। मैं यूनुस साहब के बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगा। यूनुस साहब आपको लोग नहीं जानते हैं, शीमा बेगम के नाम से आप जाने जाते हो। कुछ कहना चाहते हो? आपकी पत्नी ने, आपकी बीवी ने इतना अच्छा काम किया। जी जी सर, बहुत अच्छा काम किया सर। खुश हो आप? खुश बिल्कुल सर। नाराज तो नहीं होते? नहीं नहीं नहीं, पंगे ले लेते हो लोगों के घरों में जाके? नहीं नहीं नहीं, खुश हो आप? नाराज वाली कोई बात नहीं। और आपके चैनल का भी बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ सर, आप भी आए, हमारे कहने पे ही आए, हमने बुलाया आपको, आपने एक महीना मेरे पीछे शीमा बेगम ने हाथ धोकर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सबसे महत्वपूर्ण आदमी यहाँ पे है अशोक साहब, ये इस कहानी में नहीं बल्कि अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत हो और भी सोशल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें बिल्कुल सक्रिय रहते हैं और आज यहाँ पे कल से यहाँ कैंप कर रहे हैं। अशोक साहब क्या कहना चाहोगे? सर कहना क्या है, दिल को एक बड़ा सुकून मिलता है जब भी कोई ऐसा काम करने का एक मौका मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी बंदे हैं ना, जिनके अब मैं सराउंडिंग हर जगह पे कोई हर सोशल एक्टिविस्ट नहीं पहुंच सकता, सराउंडिंग एरिया में कोई भी ऐसा केस मिलता है, खुद ही बंदा ना अगर आपस में हम कोशिश करें बहुत इजीली पॉसिबल हो जाता है हर एक। और हम जहाँ पे जब आए थे ना, पहले दिन भी जब आए थे हमें तब भी ये पता नहीं था कि हमने रुकना कहाँ है, खाना क्या है, कहाँ आगे कुछ स्कोप है हमारे पास कि नहीं है। बट मैं एक शुक्र गुजार हूँ सबसे ज़्यादा, ये थैंक्स तो बड़ा छोटा शब्द रह जाता है, यूनिस भाई जी का और मैम जी का, शीमा बेगम मैम जी का, मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ। इन्होंने मुझे, हमें ना ये फील नहीं होने दिया कि हम घर हैं या घर के बाहर आए हैं। आज इनके घर में स्टे कर रहे हैं हम, 2 दिन से स्टे यहाँ कर रहे हैं इन्हीं के घर में। आज तो कल हम 12 से ज्यादा लोग थे और रात को डिनर भी किया और सुबह ब्रेकफास्ट भी किया। और मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से ब्रेकफास्ट हुआ कि हमें हाथ तक धोने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा, हमारे लिए हाथ धोने के लिए भी वहाँ पे आए। हम घर में इस तरह से हमें खाना या इस तरह से चीज़ नहीं मिलती है, मैं ये चीज़ कहता हूँ। घर वाले कहते हैं उठो कुछ कर लो थोड़ा सा, लेकिन नहीं, इन्होंने हमें कुछ हिलने तक नहीं दिया। हिंदू मुसलमान की जो मैंने बात की थी, जिससे बहुत बड़ी जिस पे सियासत होती है, यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग इसमें एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, हमारी कमज़ोरी है। मछेड़ी में शीमा बेगम ने ये मिसाइल कायम की है, ये शादी ऐसी नहीं होती, हम यहाँ नहीं होते, हल तस्वीरें कुछ और होती अगर ये कड़ी बीच में ना होती। अब आप इसको शीमा बेगम कह दो, मुसलमान कह दो या इंसान कह दो, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। शीमा जी आप दूसरी बार मेरी वीडियो में आ रहे हो, आप तैयार होके आए हो अभी? हाँ जी, हाँ जी। खुश हो आप? हाँ सर बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत अच्छे से शादी हो रही है, इतना तो हमने सोचा नहीं था, इतने लोग जितने आए इनको देख के बहुत खुशी हो रही है। जिस विश्वास से आपने मुझे फोन किया था वो विश्वास पूरा हुआ? टूटा तो नहीं विश्वास? नहीं 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 टूटा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा हो रहा है सर। मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं किस शब्दों से आपकी तारीफ करूं या आपका शुक्रिया करूं। उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। आपने जो इन लोगों को खाना खिलाया है ना 2 दिन अपने घर में, शादी किसी और के घर में है। अगर आपकी भाषा में कहूँ, शादी किसी और की है, अब आप समझ लीजिए। तो ये मिसाइल काम कीजिए, ये एक एग्जाम्पल सेट है, मछेड़ी ने एक एग्जाम्पल सेट की है। सुरेशा जी आपको बहुत बहुत मुबारक, उसकी माँ कमली देवी को बहुत मुबारक, उस छोटी बच्ची को बहुत मुबारक। उस हालात में मुझे लगता है वो फिर कभी नहीं आएंगे, उस हालात में वो फिर कभी नहीं आएंगे। कुछ और लोग भी, मैंने कहा नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं किसी का नाम ले नहीं रहा हूँ जो प्रेजेंस है उन्हीं का, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत से लोगों ने किया है। क्या नाम है सर आपका? जय श्री राम सर, मेरा नाम राकेश कुमार है, सैनी हलवाई ग्रुप कठुआ से। अच्छा आप तो, हलवाई हो? जी जी जी। सब कुछ आपने बनाया? जी जी। तो जैसा कि मुझे पता चला
मेरे कोहली भाई सुरेश कोहली जी, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि किसी गरीब लड़की की शादी है तो आपने जाना, तो मैंने कहा जरूर जाएंगे। हम सुबह 4 बजे नगरी से निकले थे, 11 बजे इधर पहुँचे, तो हमारा काम शाम 7 बजे का रेडी है। तो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ इस ग्रुप का, जिन्होंने इतनी मेहनत से इतनी लगन से ये काम किया। बस जनाब यही था, ये कहानी थी मशेडी की, और आप लोगों को जानने का पूरा पूरा हक था। यहाँ पे आपने डोनेट किया है, जिस शादी के लिए आपने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, उस शादी का क्या हुआ? वो शादी बड़े धूमधाम से हुई, बड़े अच्छे से संपन्न हुई। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।